Hello friends, welcome to Capstone Learning. So now we are going to start with India Yearbook 2020 Part 3. So this is your first question. Consider the following Indian cities: Delhi, Mumbai, Ahmedabad. Which of the above figure in the World Heritage List of UNESCO? तो इनमें से कौन सी cities World Heritage List of UNESCO के अंदर figure करती हैं? तो दिल्ली जो है वो figure नहीं करती, मुंबई करती है और अहमदाबाद करती है. So C is the right answer. तो Victoria Memorial जो है वो काफी फेमस हुआ था, विक्टोरिया मेमोरियल. ओके, तो वो मुंबई में पड़ता है, तो वो इसलिए यूनेस्को हेरिटेज में आ गया था. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेवा भोज योजना. द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. द स्कीम एनविसेजेस टू रीइंबर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ सेंट्रल जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी so as to lessen the financial burden of the religious and the charitable institutions which provide food, prasad, langar. तो बेसिकली जो सेंट्रल जीएसटी होता है उसका कॉम्पोनेंट और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है वो कॉम्पोनेंट, उससे थोड़ा रिलीफ दे दिया जाता है जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज हैं, कोई लंगर भंडारा कुछ भी ऐसा वो करते हैं. सो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. अब इसकी अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ओके, ये उनका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म. तो ये आपको याद रखना है, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाता है. सो इसका सही आंसर क्या है? ओनली टू. अच्छा, एक और इसके अंदर कैच है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जीएसटी से रिलीफ दे रही है, स्टेट जीएसटी से रिलीफ नहीं है. ठीक है जी, तो आपको ये भी याद रखना है. तो स्टेट जीएसटी से कोई रिलीफ नहीं दिया जाता. अब ये इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है. जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर विक्टोरियन आर्ट मुंबई का, इसलिए मुंबई आ गया था, और अहमदाबाद. तो ये इंफॉर्मेशन आपकी इंडिया एयरबुक में एज इट इज मेंशन है. अच्छा, इसके अलावा 37 वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन है इंडिया के अंदर. ओके, फिर सेवा भोज योजना जो मैंने आपको बताया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च की थी ये स्कीम. अब ये ईयर भी जानना जरूरी है, तो ये 2018 के अंदर लॉन्च की गई थी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए. और मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी से रिलीफ मिलता है, स्टेट जीएसटी से रिलीफ नहीं मिलता. तो आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल विच इज लोकेटेड इन कोलकाता वॉज बिल्ट ऑन द प्रपोजल ऑफ लॉर्ड कर्जन. It was declared institution of national importance under the Government of India Act 1919. It was also called Taj of Raj. तो थर्ड स्टेटमेंट तो है आपकी करेक्ट, इसको ताज ऑफ राज बोलते थे क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश राज था. और फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने इसे प्रपोज किया था. अब ये कंप्लीट हुआ था 1921 में, ओके, पूरा बन के 21 में हुआ था. तो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 1919 में तो हो नहीं सकता, तो ये गलत है. तो ये कब बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अंदर जो है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया गया था. तो आपको ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये प्रोविजन आया था. सो 1 and 3 सी इज द राइट आंसर, जैसा मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि लॉर्ड कर्जन ने इसे प्रपोज किया था, इसको ताज ऑफ राज भी बोलते थे. एक और गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट. ओके, तो इसके अंदर मॉन्यूमेंट मित्राज बनाए जाएंगे. अच्छा, मॉन्यूमेंट मित्राज कौन से हो सकते हैं? कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है. तो ये लोग बेसिकली किसी भी मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करेंगे, फिर उसके रख रखाव का पूरा ध्यान रखेंगे. प्रीलिम्स 2015 के अंदर रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. ओके, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है 2015 के प्रीलिम में पूछी गई थी. अब हम अगर क्वेश्चन ऐसा बनाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो ये आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन आपकी ईयरबुक में दे रखी है. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करता है, और इसने बोला है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रहने वाली है वो 3.3 to 3.6% रहेगी अभी,
अब ये कोरोना के इंसिडेंट से पहले की चीज़ है, अभी कोरोना के बाद तो पता नहीं क्या होने वाला है। सो बी इज द राइट आंसर कि ये जो रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF देता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कमेटी इज पार्ट ऑफ मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट अंडर द एम्बिट ऑफ WTO। तो ये करेक्ट है, एक कमेटी भी बनानी है और एक प्लान भी बनाना है आपको, तो ऐसा कुछ इसके कंपल्सरी प्रोविजन है ये कमेटी और ये जो प्लान है। फिर कमेटी विल बी चेयर्ड बाय मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर, ये गलत हो जाता है क्योंकि इट विल बी चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब जो है, जो कि हाईएस्ट सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट होता है इस देश के अंदर, ठीक है जी, वो इसको हेड करने वाले हैं। सो ओनली वन इज द राइट आंसर, तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो इसको हेड करेंगे। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान भी है जो गवर्नमेंट ने बनाया होगा, और ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी वो भी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दी थी, क्योंकि इंडिया ने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट कब रेटिफाई कर दिया था, 2016 के अंदर, उसके बाद से इंडिया को करना पड़ा था, कंपल्सरी प्रोविजन है। रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब प्रीलिम 2016 का क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर काफी ट्रिकी उन्होंने क्वेश्चन डाला था कि ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, इस टाइप की चीजें उन्होंने डाल दी थी। ओके, तो इन डेप्थ क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कि हम क्या इसमें नया बना सकते हैं। अब यहां पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसके बारे में हम बात करेंगे, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये सुकन्या समृद्धि योजना है। ओके, तो ये जो है हम डिटेल में क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाएंगे, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द स्कीम इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 विच इज विद अ बैंक अकाउंट हु गिव देयर कंसेंट टू ज्वाइन। ओके, द रिस्क कवरेज अंडर द स्कीम इज 2 lakh फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी एंड 1 lakh फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी, प्रीमियम इज 12 पर एनम। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो एलिजिबिलिटी है ना बहुत वास्ट है, 18 to 70 कर रखी है इन्होंने। ओके, तो नॉर्मली वो 60 तक डाल के हमारे एक बायसनेस होती है कि 60 तक होगी बस, ये हो ही नहीं सकती, ऐसी हमारी सोच होती है। तो उस केस में ये हम आंसर गलत कर देंगे, क्योंकि ये 18 से 70 कर रखी है इन्होंने, और बाकी तो फैक्चुअल चीजें हैं। और एक ये ध्यान रखना कि प्रीमियम इतना होगा 12 पर एनम। अब इसका सही आंसर क्या है, डी 1, 2 and 3। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुकन्या समृद्धि योजना। ओके, द अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 10 and 21। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओपनिंग एन अकाउंट इज ₹250 विच कैन रीच टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1,50,000 एनुअली। एज पर द रिसेंट मेड चेंजेस मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। तो ये तो हो गया करेक्ट, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस लाए गए हैं, उसके अंदर एक ये प्रोविजन था, पहले जो है आप पैसा नहीं निकाल सकते थे, अब ये भी करेक्ट है। अब ये जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि अकाउंट कब बनेगा, जब लड़की बिलो द 10 years ऑफ एज होगी, 10 साल से ऊपर होगी तब अकाउंट नहीं बना सकते आप, 10 से नीचे है जो नीचे ये। सो द राइट आंसर इज ओनली 2 and 3। तो ऐसे फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी है। अब ये इसकी पूरी आगे डिटेल है। पेरेंट्स या लीगल गार्जियन वो सिर्फ अकाउंट खोल सकते हैं, और 1 for each girl child। ओके, ओनली 2 अकाउंट जो है वो अलाउड है एक फैमिली के अंदर। तो ये भी अभी इन्होंने लेटेस्ट चेंज किया है, पहले एक ही था, अब 2 अलाउ कर रखे हैं, हर लड़की का, मतलब 2 लड़के हैं तो एक एक अकाउंट खोला जा सकता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे 1.5 लाख तक मैक्सिमम जा सकते हैं, और जब गर्ल 21 साल की हो जाएगी उसके बाद जो है उससे वो पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। अब लेकिन मेडिकल इमरजेंसी वाला क्लो इन्होंने डाल दिया है, तो एक अच्छी चीज है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दीनदयाल स्पर्श योजना। दिस इज द स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उनकी स्कीम है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो
ये आपको ध्यान रखना कि एमएचआरडी का कोई भी लेना देना नहीं है इसके साथ। अच्छा, अंडर द स्कॉलरशिप फॉर अंडर द स्कीम स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स, जो टिकट होती है स्टैम्प्स हमारे जो पोस्ट के ऊपर लगाते हैं, एज अ हॉबी चिल्ड्रन इन द क्लास कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड 6 to 9 को ही मिलती है, वही एलिजिबल होते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट तो है आपकी करेक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाता है बी। अब ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, देखो कि ये किस लिए है, कि फिलेटली इसको प्रमोट करने के लिए है। तो आर्ट ऑफ क्या बोलते हैं ये, स्टैम्प कलेक्शन। ओके, तो बहुत लोगों की हॉबी होती है अलग अलग स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की, तो उसको प्रमोट करने के लिए है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने इसके अंदर। और मैंने आपको बता दिया 6th, 7th, 8th, 9th उसके बच्चों के लिए होता है, क्योंकि 10th आपका बोर्ड आ जाता है, तो इसलिए 9th तक ही उन्होंने इंक्लूड किया है इसके अंदर। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट। थैंक यू।